गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैरून जो मैरून है तब क्या? ठीक है, मैरून लाटी दे दो। सेट वाली नहीं, वो चूड़ी वाली दे दो। तो पिंक दो। नहीं नहीं भाई, पिंक दो फिर, प्लीज प्लीज। पहन लो चुपचाप। नहीं नहीं, गोल्डी। अरे ना, पहनना निकाल देते हैं। ठीक है, तो लहठी हम लोग लेके आए थे, वो ये निकाल रही है। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक पार्टी में, तो बस हम लोग रेडी हो चुके हैं, फटाफट स्वेटर पहन लेते फिर चलते हैं। जो मम्मा क्या जा ली थी यार, ओके बाल मेरे एक भी नहीं बचे, इतने बलझड़ी पकड़ लिया है। जितना इतना ये बोलेगी ना, उतने ज्यादा और बाल टूटेंगे मेरे। मैं रेडी हो चुकी, शॉल रख लिया है मैंने डिग्गी में सीएम के। क्या फोन क्यों होगा? जल्दी चलो, देर मत करो। सबसे ज्यादा देर हमारे घर में गोल्डी करती नहीं है। वाह, क्या नहीं उठाया? बटन जा रहे, गिफ्ट कोई नहीं उठाया। हो, ये गिफ्ट पैक हो चुका है, चलो जल्दी। मेरा फोन कहाँ है? हम लोग पहुंच चुके हैं उनके घर, अब चलिए चलते हैं अंदर। हम किसी को जानते नहीं, क्या मिलवाए। अरे बोलो, सब हो जाएगा। चलो बता देते, यहाँ पे ये अनुष्का है। हेलो। जो की हम लोग को पहले से जानती है, हम लोग सब्सक्राइबर मिली है। इंटीरियर इंटीरियर का काम सारा शिवम का है। आ जाओ। तो अभी यहाँ पर चल रही है बर्थडे की प्रिपरेशन। करो नहीं, हेल्प नहीं यार, कलरफुल चिमटी लगाना भूल गई। ये लगाई तो मुझे याद आया, मेरी पिन लगाई है ना जो क्लिप, ये हमको अब याद आया कि हमने तो लगाया ही नहीं था। काफी ज्यादा प्यारा घर लग रहा है इनका, देख के मजा आ गया। रील्स बनाने की जगह है यहाँ पे, आप लोग चाहो तो ऐसे बना सकते हो इस पे। ये हम लगवाएंगे पंजाब में अपने रूम में, एक साइड किनारे लग जाएगा ना, तो रील्स आराम से बनेगी। चलो इस वीडियो में भी आ जाओगी, ये भी आपको सेंड कर देंगे। ओके, शिव किसका बर्थडे है आज? शिव का बर्थडे। ओनली यहाँ पे श्रेजा मेरे साथ आने की बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, रो रही थी, पर मैंने उसको डांट दिया कि तुम घर पे रहो, ठंडी बहुत है नानी के पास, इसीलिए मैं उसको लेके नहीं आई। वरना बर्थडे पार्टी में आने के लिए तो उसने पूरा घर सर पे उठा लिया था। इसी तरह मैं छिपके छिपा के घर से निकली पार्टी में आने के लिए। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ का इंटीरियर कितना खूबसूरत है, ऐसे लग रहा है ना कि किसी रेस्टोरेंट टाइप का ना। शीशा तो ऐसा ही है, ये लाइटिंग बड़ी अच्छी है। फिर से अरे हाँ, मुझे तो इनका कोट ही बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे जाओ, और ये खुद बहुत ही सुंदर लग रही है इस हैरी पॉटर के चश्मे में। और ये रहे प्यारे से शिव। हैप्पी बर्थडे टू यू। कितनी बार बर्थडे विश किया, लेकिन वीरांगना क्या पहनोगी? फ्रॉक पहनना था। महालक्ष्मी नाम है, महालक्ष्मी नारायणी, महालक्ष्मी नारायणी। कब तक ये किसने बनाया था? ये गुस्से वाला फेस है। आप डांटे दो। नरंजन नरंजन छोड़। अच्छी लग रही है बहुत, लाइटिंग की वजह से। वीडियो बन रही है। और ये चूड़ी देखिए आपको कैसी लग रही है? ये आठ का सेट था, इसको लहठी कहते हैं। ओके, लहठी कहते हैं। ओके, आपको पहनना है? नहीं, मम्मी पहनती है। और छह का भी सेट था, पर हम लोगों ने ये पतली वाली ली थी और मोटी मोटी भी ली थी, वो घर पे रखी, उसको नहीं पहना। थैंक यू बोल दो। थैंक यू। आराम से बैठ के इस पे खा लो, बैठ जाओ, क्योंकि सब लोग छीन लेंगे चॉकलेट बैठ के। अरे पूरे कपड़े में लग गया। ओनली ये सारे बच्चे कह रहे हैं कि मुझे फोटो में घुसने में बहुत मजा आता है ना, किसी की फोटो खराब करने में। हमारा केक आ चुका है। इधर से कटा, उधर पूरा तो खड़ा करो।
ये और नरांची बाबू यही है जिन्होंने घर को डिजाइन किया है, इंजीनियर जी। ना सारा खाना खाने के बाद और अब चलते हैं वापस घर की तरफ। ठंड बहुत हो चुकी थी, रात का टाइम है, पर हम दोनों ने शॉल नहीं लिया। हमसे पूछ रहे थे बार बार ये क्वेश्चन कमेंट में आ रहे थे कि सुपर टेट की प्रिपरेशन करूं या फिर DSSB या फिर अभी 2-3 वैकेंसी हम सभी के सामने है, जिसमें से DSSS और बिहार की तो सबको क्लियर ही है, सब कुछ पता है कि बिहार में 24 तारीख को एग्जाम होगा अगस्त में, पर यूपी का नहीं कन्फर्म है कि कब क्या होता है, कैसे क्या करना है। तो यूपी में आप लोग मुझसे कह रहे थे कि ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग, मैं करना तो यार सिर्फ यूपी का ही चाह रही हूँ। DSSS मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है, पता नहीं मैं पास कर पाऊँ या नहीं, तो उधर उतना मन नहीं है। बस ये है कि सुपर टेट के लिए फोकस करना चाहती हूँ। और सर लोग बताए भी, यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा घर है वहाँ पे जो ऑफलाइन कोचिंग मतलब है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं और उनसे मैंने पढ़ाई करी थी पिछली बार CTET के लिए। और अब मैं सोच रही हूँ सुपर टेट के लिए भी वही बैच ज्वाइन कर लूँ क्या, घर ही में रह के। लेकिन ये है कि अब मुझे वहाँ भी जाना है, पंजाब भी जाना है, तो होली के बाद मैं जाऊँगी। सो गाइस यही नहीं समझ में आ रहा कि रुक जाएँ तो, अगर नोटिफिकेशन मार्च तक आ जाता है ऐसा कुछ होगा कि हाँ वैकेंसी के आसार दिख रहे हैं या UPTET कराया जाएगा, तो फिर तो मैं रुक जाऊँगी, फिर मैं बैच भी ज्वाइन कर लूँगी आराम से सुपर टेट का। यहीं से प्रिपरेशन हो जाएगा, श्रेजा भी रहेगी, मम्मी पूरा हेल्प करती हैं तो दिक्कत नहीं होगी, वरना फिर अकेले पंजाब में बिटिया के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो देखिए अब क्या होता है, कैसे क्या मैनेज करना है मुझे।